पिंक कलर है, पिंक कलर है। अस्सलामुअलैकुम जी प्यारे व्यूअर्स, की मैं हाल चाल इन उम्मीद करें नहीं तो सा ठीक ठाक हो सो, खैर नाल हो सो, खुश पे वस्ते हो सो। तो आज का व्लॉग हम अपने घर से स्टार्ट करते हैं। अभी जो है व्यूअर्स, मैं उनको चीज़ लेके देने के लिए गई थी बाहर, और यकीन जाने इतना तंग करते हैं कि दोनों को उठा के मैं ले के गई हूँ, क्योंकि एक को उठाती तो दूसरा रोने लग जाता है, दूसरे को उठाती हूँ तो वो ताबीर रोने लग जाती है। चलो मैंने कहा इन दोनों को उठा के ले जाती हूँ। अब वहाँ जाके जी मैंने ये चीज़ नहीं लेनी, उसने कहा मैंने ये चीज़। अब आधा घंटा जो है मेरा वहाँ पे लग गया इनको राज़ी करने में, और वो तबीर तो रूठ के भाग गई है उधर, मैं गली से पकड़ के लेके आई। तो ये होते हैं व्यूअर्स बच्चों के हाल। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं, और आज हमने बनाने हैं मूली वाले पराठे। आटा तो हमने गोंद के रख दिया था व्यूअर्स, और आज क्योंकि थोड़ा सूरज भी कभी निकल आता है और कभी जो है वो छुप जाता है, बादल भी हैं, धुंध भी है और सर्दी भी है, तो आबिया से मैंने कहा आज मूली वाले पराठे बना लेते हैं, आज दिल कर रहा है। तो आबिया ने जो है वो आटा गोंद के रख दिया है, तो मूलियाँ निकाल लेते हैं फ्रेश, और फिर आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ कि मूली वाले पराठे हम कैसे बनाते हैं। जी तो व्यूवर्स, मूलियाँ हमने निकाल ली हैं, आज जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेश मूलियाँ हैं, और इनको नीचे रख देती हूँ व्यूवर्स। ये जो है ये मेरी मूलियों की फसल है, क्यारी है, और आप देख सकते हैं, अभी आपको करीब करके दिखाए काफ़ी मोटी मोटी और बड़ी हो गई। अभी इधर ले आओ दिखाओ ज़रा, ये देखें और ऊपर को भी इतना आ चुकी है, और काफ़ी क्योंकि सर्दी है व्यूवर्स, तो मैं इतना इस्तेमाल आजकल नहीं कर रही क्योंकि काफ़ी ये ठंडी जो है वो मूलियाँ होती हैं और काफ़ी ठंड लगती है। तो ये लहसुन है, आप ये दिखाओ ज़रा। तो यहाँ पर व्यूवर्स पता नहीं है, लेकिन इतना ताकत में नहीं है, और यहाँ पे अच्छा खासा हो गया है। तो चलते हैं व्यूवर्स, मूलियों को कट करते हैं। और व्यूवर्स शलजम भी काफ़ी बड़े हो गए हैं, और ये आपको मैं इधर से दिखाती हूँ, बस ये फिर जो है किसी दिन शलजम का सालन भी बनाएंगे। तो व्यूवर्स चलते हैं, मूलियों को कट करते हैं। और पराठे जो है वो कई तरीक़ों से लोग बनाते हैं, कुछ तो ख़वातीन ऐसे बनाती हैं कि पहले जो है मूली को जो है पकाती हैं, उसका बकायदा से पानी खुश करती हैं, फिर जाके उसके पराठे। तो मैं ऐसा नहीं करती, मैं जो है कट कर लेती हूँ, और कट करने के बाद इनको बारीक जो है वो कट करने के बाद भी, और उसमें स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं, लेकिन उसका पानी निचोड़ के तमाम स्पाइसेस जो है उसमें ऐड कर देंगे। और क्या करेंगे व्यूअर्स के उसका पानी निचोड़ के नमक हम एंड पे जो है ऐड करेंगे, ताकि हमें अगर पहले नमक डाल दिया तो फिर से जो है व्यूअर्स उसमें जो है वो पानी आ जाएगा। और आटा इसके लिए थोड़ी सी डो जो है वो सख्त रखनी पड़ती है, नरम डो नहीं रखनी पड़ती, और बकायदा से इसको चकला बेलन पे जो है वो बनाना पड़ता है, क्योंकि हाथों में अगर हम इसको बनाएं तो व्यूअर्स ये फट सकते हैं हमारे पराठे जो होते हैं, क्योंकि इसकी स्टफिंग जो है वो फट सकती है और बाहर निकल सकती है। तो स्टार्ट करते हैं। बस तो ये होता है कि जब भी मैं व्लॉग बनाती हूँ तो इनको चीज़ें लेके देती हूँ ये बहन भाई जो है वो, तब भी जाके मुझे व्लॉग कंटिन्यू करने देते हैं, अदरवाइज तो ये रोला डालते हैं। तो चलते हैं बस, उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो का जो है थम्स अप ज़रूर देना। और दूसरी बात ये है कि मेरे चैनल को हैक करके इनको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में बेल आइकन्स तो दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँची रहे, जो कि बिल्कुल फ्री है। जी तो व्यूअर्स, सामान हमने इकट्ठा कर लिया जल्दी से, जो है वो पुदीना और हरी धनिया जो है वो हम हरा धनिया जो है वो तोड़ लेते हैं, क्योंकि उससे मूली के पराठे में जो है वो टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो तबीर को मैंने धूप पे सुला दिया है, क्योंकि आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा सर्दी थी और रो रही थी, तो मैंने उसको, अल्लाह करे आज सूरज निकल आए, तो उसको तो मैंने सुला दिया, लेकिन स्नान जो है मुझे मुसलसल तंग कर रहे। तो व्यूअर्स चलते हैं, पुदीना और धनिया तोड़ के लाते हैं, फिर जो है आप लोगों से अगला प्रोसेस मैं इसका शेयर करती हूँ। जी व्यूअर्स, ये मैं जल्दी से जो है वो हरा धनिया जो है वो तोड़ लेती हूँ, और पुदीना भी, क्योंकि पुदीने और हरा धनिया से जो है वो टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, जल्दी जल्दी से तोड़ लेते हैं, क्योंकि सनान जो है ना व्यूअर्स वो मुसलसल तंग कर रहा है, और ये ना कहीं आग में चला जाए।
तो चलते हैं व्यूवर्स, को अच्छे तरीके से धो लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। जी तो व्यूवर्स, पहले जो है मूलियों का छिलका उतार लेते हैं। तो ये व्यूवर्स मेरी घर की मूलियाँ हैं और अभी तक मैं फर्स्ट टाइम ही जो है वो मूली का पराठा बना रही हूँ। थोड़ी सी आगे आ जाओ आप, यह तो ये पीछे हो जाओ थोड़ी सी। तो फर्स्ट टाइम ही जो है मैं मूली का पराठा व्यूवर्स बना रही हूँ, हालांकि मेरे घर में जो है वो मूलियाँ लगी हुई हैं, लेकिन टाइम ही नहीं इतना बच्चे देते होंगे, इस वजह से तो मैंने रेसिपी वाले चैनल को आगे जो है मैं कंटिन्यू नहीं कर सकी। तो सबसे पहले इसका छिलका उतार लेते हैं व्यूअर्स, और फिर इसके बाद इसको कट कर लेंगे। मैंने धनिया और वो भी धो के रख दिया है, तो इसमें मैं ऐड करूँगी चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई जो है वो मिर्चें, यानी कि जिसे हम धड़ा मिर्च भी कहते हैं, उससे जो है वो मज़े की बनती हैं। बनस्पत के इसमें हम चिली पाउडर ऐड करें। तो व्यूअर्स में कट कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोग। तो व्यूअर्स, ये सनान साहब जो है साथ में चेयर पे बैठे हुए हैं और बार बार जो है मेरी गोदी में आने की कोशिश कर रहे थे, मैंने वहाँ पे बिठा दिया, मैंने कहा इधर बैठा। तो व्यूअर्स ये इसको कट कर लेते हैं, ये बारीक वाले से नहीं कर रही मैं, थोड़ा मोटा मैं इसको कट कर, आप ये दिखाओ क्लोज कर। तो ये आप देख सकते हैं व्यूअर्स कुछ इस तरीके से जो है इसको हम कट कर देंगे, फिर हम इसका जो है वो पानी निकाल देंगे, बिल्कुल इसको खुश कर लेंगे ताकि जो है हमारे वो पराठे सही से बने। अगर इसका पानी नहीं निकालेंगे तो फिर हमारी स्टफिंग जो है वो नरम हो जाएगी और फट जाएगी। तो थोड़ा सा ऊपर करो, अभी मेरा फेस नज़र आ रहा है। तो जल्दी से इसको मैं कट कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से लेती हूँ। जी तो व्यूअर्स, ये हमने जो है वो कट कर ली है इस तरीके से, कुछ आपको दिखा दूं मैं, बहुत ही ज़बरदस्त। और एक मूली जो है बच गई है क्योंकि ज़ाया नहीं करना। तो व्यूअर्स, इसको हम रख देते हैं और ये छिलके वगैरह हम साफ़ कर लेते हैं और इसका पानी निकालते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। जी तो व्यूअर्स, कुछ इस तरीके से हम इसका पानी जो है वो निकाल लेते हैं, जैसे कि अभी आपको दिखा रही है, और ये यहाँ पर रखते जाएंगे। ये देखिए इसका कितना ज़्यादा जो है वो पानी निकल रहा है। तो काफ़ी खवातीन मैंने बनाते हुए देखा है उनको पराठे की, वो जो है ना पहले पानी को खुश करती हैं, तो वो इतने मुझे अच्छे नहीं लगते। मैंने एक दफ़ा बनाए थे, तो मैं जो है वो फ्रेश मूलियाँ ऐड करती हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त जो है इसके पराठे बनते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम इसका पानी जो है वो निकाल देते हैं और इसमें सारे स्पाइसेस जो है फिर से ऐड कर लेंगे, और धनिया भी, पुदीना भी, और ज़्यादा तो व्यूअर्स मैं इसमें कुछ भी नहीं डालूंगी। अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो आप साबुत जो है वो कूटा हुआ धनिया अगर इसमें ऐड करें तो उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है, लेकिन हमारे पास क्योंकि ताज़ा धनिया है हरे वाला, तो उसको ऐड करने की ज़रूरत भी नहीं है। जी व्यूअर्स, तो अभी जो है इसका पानी हमने निकाल दिया, फिर से हम जो है वो बड़े बर्तन में इसको डाल देते हैं और इसमें मैं स्पाइसेस जो है वो ऐड कर लेती हूँ। तो इसमें जो है इस पर ज़रूरत आप नमक डाल दें जितना आपको पसंद हो, क्योंकि आटे में भी नमक जो है वो होता है। तो इसमें ऐड कर दूंगी मैं ये कूटा हुआ, थोड़ा तेज़ है व्यूअर्स, मैं कम ही इसमें डालूंगी क्योंकि थोड़ी तीखी हैं ये मिर्चें, तो ये इसमें ऐड कर दूंगी। क्या चीज़? अच्छा कोई बात नहीं। तो ये मुझे बता रहा है कि कोई चीज़, इसे कौवा जो है वो छीनने के लिए आया है, तो ये मुझे बता रहा है कि मम्मा मेरी वो चीज़ जो है वो खसदा आई। तो क्योंकि यहाँ के कौवे भी इतने शैतान है व्यूअर्स, बच्चों से चीज़ें छीन के भाग जाते हैं। अभी ताबीर का जो है ना इसी बात पे रोना धोना लगा हुआ था कि मम्मा मेरे बिस्किट जो है वो कौवा छीन के भाग गया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं और ले देती हूँ, तो फिर मैंने उसे और ले के दिए। तो अभी ये भी कोई चीज़ जो है इसे भी कौवे ने छीन ली है। ना करो स्नान, ना करो। हाँ जी तो व्यूअर्स, इसमें हम जो है वो बारीक बारीक करके जो है इसमें पुदीना और धनिया जो है वो ऐड कर देंगे, इससे फ्लेवर मूली के पराठे का बहुत ही ज़बरदस्त आता है। व्यूअर्स, आप इसे मक्खन के साथ अगर इस पे मक्खन लगाएं तो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। देसी घी भी लगा सकते हैं और चटनी के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं, जितना वो आप लोग के पास जो है जितना आप अफोर्ड कर सकते हो। लेकिन मैं बिल्कुल देसी स्टाइल में आप लोगों को बनाना सिखा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ये रेसिपी और मेरा व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगेगा। व्यूअर्स, अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल बकर को इनको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में
बेल आइकन्स भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे, जो कि बिल्कुल फ्री है। जी व्यूअर्स, तो अच्छे से इसको कर लेते हैं मिक्स, जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। इसको हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद व्यूअर्स, हमारा स्टफिंग का सामान जो है वो रेडी है। अब आटे के बना लेते हैं पेड़े और जल्दी से आग जला लेते हैं, और क्योंकि सब्र नहीं हो रहा, मूली के पराठे बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं, तो व्यूअर्स रहिएगा मेरे साथ। ये अब मिक्स करके हमने रख दिया है, तो जल्दी से हम पेड़े बना लेते हैं। जो है वो पेड़े बना लेते हैं, और ताबीर और इसको जो है साथ बिठाया, क्योंकि ये मसलसल जो है रो ही जा रहे थे। तो अभी जो है मैंने साइड पे जो है तवा किया, क्योंकि आग ज़्यादा जल रही थी, और मुझे जो है काफ़ी अभी देर थी, क्योंकि मैं बना रही थी पेड़े, तो आप लोगों से शेयर करते हैं साथ साथ। सभी बस बेल के जो है वो साइड पर रख दिए, और बाकी को बेल लेते हैं। इस तरीके से तो भी बड़े, इसमें हम स्टफिंग रख देते हैं। स्टफिंग में ज्यादा ज्यादा व्यूअर्स में डालूंगी। अभी आधे रखो, हम सकते हैं इस तरीके से इसमें डालते जाएंगे। इस तरीके से हम इसके ऊपर रखते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके पहले हम किनारों से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे व्यूअर्स, ताकि इसमें हवा भी ना बने और ये स्टफिंग भी बाहर ना निकले। तो नीचे हम खुशका लगा देंगे व्यूअर्स, और इसको दोनों साइडों से इसको जो है अच्छे से खुशका हम लगा देते हैं। इसको जो है ना करो, ना करो, की शरारत का व्यूअर्स खत्म नहीं होती। जी व्यूअर्स, तो हमने जो है दूसरा पराठा भी ग्रिल करके तैयार कर लिया। लद्दा शापर होगा, जाओ तुम भी पहन लो कोई शापर उठा के जाओ। भैया को दे दो, क्या चीज पार दी पाइये, ये तुम्हें मूली का पराठा बना के देती, ये तुम्हें मूली का पराठा बना के देती, ये दे मेरे स्नान का मूली का पराठा, उसको मैं नहीं दूंगी मूली का पराठा। अच्छा उधर बैठो, मैं मूली का पराठा जो बड़ा मैं जब मुश्किल से बना रही हूँ, मुसलसल जो है बच्चे मुझे तंग कर रहे हैं, तो खुद अंदाजा लगा रहे हैं कि कितना जो है वो तंग होना पड़ता है। और ताबीर मुसलसल हंस रही है, पता नहीं किस चीज की हंसी, दिखाओ जरा हंस रही है। इसको थोड़ा क्रिस्पी कर लेते हैं। कहाँ
कहां वैदा पिए हां किधर जा रहे हो जी। तो व्यूअर्स आज उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा, अगर पसंद है तो जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए।